तो दोस्तों यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, एक है जो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जो झरना दिख रहा है आपको, ये जा रहा है हिमकुंड साइड की तरफ, और एक रास्ता जो इधर जा रहा है, एरो भी लगा रखे हैं, ये जा रहा है वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ, और यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स को, तो चलो चलते हैं फूलों की तरफ।
जब वैली ऑफ फ्लावर्स के ट्रैक पर जाते हैं तो बीच में ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है और आपको इस ग्लेशियर को इसके ऊपर चलते हुए पार करना पड़ेगा। ये देखिए मेरे पीछे देखा, और ये ग्लेशियर तकरीबन 30 से 40 मीटर के आसपास है, थोड़ा फिसलन है, तो नीचे स्टिक का यूज़ करके आराम से आप इस ग्लेशियर को क्रॉस कर सकते हो। चलो
वैल्यू फ्लावर्स में एंटर करने के बाद हम एक रिवर के पुल पर पहुंचे हैं। ये आप मेरे पीछे देखिए, क्या नाम है रिवर का? पुष्पावती रिवर का नाम है। बरसात होने की वजह से आप देख सकते हैं कि कितना तेज़ फ्लो है इसका पानी का। और अभी हमें ये क्रॉस करना है पुल, और इस पुल को क्रॉस करने के बाद आप ये फिर मेरे पीछे देखिए कितनी तेज़ ये रिवर बह रही है। ये फ्लो देखिए आपका, बड़ा तेज फ्लो है। आप जो मेरी लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो पेड़ देख रहे हैं, ये है भोजपत्र। पुराने समय में जो वेद और पुराण जिस पेड़ की छाल पर लिखे जाते थे, ये वही पेड़ है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पेड़ों की छाल उतरी हुई है, यानी कि इसी छाल पर पुराने समय में हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा वेद पुराण या और भी कोई भी जो धार्मिक ग्रंथ है वो लिखे जाते थे। उन्हें पहाड़ ये जो पेड़ है ये मोस्टली पहाड़ों में ही मिलते हैं, हिमालय में ही मिलते हैं। आप इस वैली में देखेंगे तो जितने भी पेड़ हैं ये मोस्टली सभी इस भोजपत्र के। आखिर वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क में 4 किलोमीटर चलने के बाद हम मेन वैली में एंटर कर गए हैं। ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ से होती है मेन वैली स्टार्ट। अब आइए आप मेरे साथ।
तो इस समय हम मौजूद हैं वैली फ्लावर्स के अंदर। आप ये मेरे पीछे देखिए, अलग अलग तरीके के फूल खिले हुए हैं देखो, और इस स्पॉट को बोला जाता है पिकनिक स्पॉट ऑफ वैली फ्लावर्स। ये फ्लैट एरिया है तो यहाँ पर आप कुछ देर रुक भी सकते हैं और आप चारों ओर का व्यू भी ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर में तकरीबन 2.5 किलोमीटर चलने के बाद एक पॉइंट आता है जहां से 700 मीटर नीचे की तरफ एक ग्रेवयार्ड बना रखा है, यानी कि समाधि बना रखी है मैरी की। मैरी एक पुरानी बोटनिस्ट रही हैं जिनकी इसी वैली में पैर फिसलने के कारण एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी, तो उनकी एक समाधि भी बनाई हुई है, तो हम उसी को देखने यहाँ पर आए हैं। तो ये इसके लिए आपको मेन ट्रैक से 700 मीटर नीचे की तरफ जाना पड़ता है और ये गोल्डन फंस के बीच में उनकी समाधि बनी हुई है। बस उसको वहाँ दिखाना चाहिए।